हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो है हम अपना कर्मवीर जो कविता है उसका सेकंड पार्ट जो है पद्यांश के अर्थ आपको समझाने जा रहे हैं। तो आप लोग उस पर देखिए, है ना, पेज नंबर 13 आप लोग को निकालना है, यानी कि पांचवा चैप्टर कर्मवीर कविता, है ना। इसमें केंद्रीय भाव हमने आपको कल बताए थे, एक बार फिर से हम दोहरा दे रहे हैं कि जो कर्मवीर है, कर्मवीर का मतलब होता है जो कर्म करने वाले हैं, है ना। उनके बारे में बताया है कि जीवन में कर्म के वैभव का दिग्दर्शन इस पाठ में कराया है कि हमको जीवन में क्या करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है ना, बिना कर्म के जीवन नहीं चल सकता। उसके बाद बताया है कि कर्मवीर जो है बाधाओं से, विपत्ति जो आती है उससे कभी डरते नहीं, एक बार कर्म को प्रारंभ करते हैं तो उसे पूर्णता प्रदान करते हैं। जो कौन होते हैं, जो कर्मवीर होते हैं, है ना, कि एक बार किसी काम को पकड़ा तो उसे कभी नहीं छोड़ते और विश्वास करके उसे पूरा करते हैं। जो काम की कठिनता को देखकर घबराते नहीं है, है ना, वो ऐसे कर्मवीर जो होते हैं वे कभी काम को, कठिन भी काम हो तो उसे देखकर घबराते नहीं है, बल्कि जीवन में आने वाली जितनी भी विपत्तियां हैं उनकी कैसे हो जाती है, अगर वो करने तैयार हो जाते हैं तो जल्दी ही दूर हो जाती है। वो केवल कल्पना जीवी और भाग्य के भरोसे नहीं रहते, मतलब कि सिर्फ सपने देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारे भाग्य में बस यही है, और भाग्य के भरोसे ही नहीं बैठते बल्कि क्या करते हैं, कर्म करते हैं। बोला गया है कि कर्मवीर तो विकास के मार्ग को प्रशस्त करने में सदैव संलग्न रहते हैं, यानी उसको हराने के लिए, कि जितने भी कठिन परिस्थिति आई उसको मतलब हराने के लिए तैयार रहते हैं। इस प्रकार यह जो कविता है उसमें ओज गुण की प्रधानता है। ओज गुण कहाँ होता है, जहाँ वीर रस होता है, और जहाँ वीर विदेश भक्ति या वीर रस से संबंधित कविता कही जाती है वहाँ कौन सा गुण होता है, ओज गुण होता है, है ना। ऐसे अंदर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए जीवन परिचय ध्यान से पढ़ो और जो कर्मवीर जो है वो भी ध्यान से पढ़ो। तो आपका पिछला होमवर्क क्या था, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जीवन परिचय लिखना, साथ ही साथ उसका सारांश भी आपको अपने से लिख लेना चाहिए, है ना। उसके बाद अब देखिए, आज जो है हम ये कविता का अर्थ आपको समझाने जा रहे हैं, सरल है एकदम, देखते जाइए एक बार में ही समझ में आ जाएगा। देखिए, देखकर बाधा विविध वह बहुविघ्न घबराते नहीं, यानी देखकर बाधा, बाधा यानी रुकावट, विविध प्रकार की बाधाओं को देखकर वे जो है घबराते नहीं हैं। रह भरोसे भाग के दुख, भाग पछताते नहीं है, यानी भाग्य के भरोसे रहकर बाद में वे कभी पछताते नहीं है। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं है, यानी कठिन भी काम रहता है तो वे कभी भी उबते नहीं है, यानी तो अपन क्या करते हैं, कठिन काम रहता है तो उबने लगते हैं, है ना। अगला, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, भीड़ में कैसे बनते हैं, मतलब चंचल गतिशील बने जो वीर दिखलाते नहीं है, यानी वो कभी भी जो भीड़ रहती है, बहुत सारे लोग जो करते हैं तो उसमें गतिशील रहते हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, यानी इस प्रकार उनकी मर्यादा में क्या हो जाता है, लक्ष्य या मर्यादा में बुरे दिन भी क्या हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। सब जगह सब काल में वे ही मिले फले फूले, चाहे पुराना भूतकाल देख लो, चाहे अभी वर्तमान काल देखो, चाहे भविष्य काल में देखोगे कि वे जहाँ भी ऐसे कर्मवीर मिलते हैं तो वो हमेशा हमको कैसे दिखाई देते, फले फूले मतलब संपन्न दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि वे कर्म करने से पीछे नहीं हटते। आगे देखिए, व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, व्योम यानी आकाश, है ना, को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, यानी चाहे कितने ही कठिन पहाड़ क्यों ना हो, चोटियाँ क्यों ना हो, उसको वो पार करने से कभी भी घबराते नहीं हैं। वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों प्रहर, इतना घना जंगल जहाँ आठों प्रहर, यानी 3 घंटे का एक प्रहर होता है, तो ऐसे ही 24 घंटे में कितने हो गए, 8 प्रहर हो गए, तो दिन एक दिन में कितने प्रहर होते हैं, 8 प्रहर होते हैं। तो ऐसे ही घने जंगल जहाँ रहता है घने जंगलों में 8 प्रहर क्या होता है, अंधेरा रहता है, तो ऐसी जगह पर भी वे कभी घबराते नहीं हैं, है ना। गरजती जल राशि को उठती हुई ऊंची लहर, चाहे गरजती जल राशि हो, चाहे ऊंची लहर क्यों नहीं उठ रही हो समुद्र में, है ना, आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लहर, मतलब बोला है कि आग की भयंकर मतलब लहरें जो है, मतलब भयंकर जो लपटे हैं वो क्यों नहीं उठ रही हो चारों दिशाओं में, ये कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, अर्थात कर्मवीर जो है वो कभी उनके कलेजों को वो कपाती
नहीं है, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए वो कभी कांपते नहीं है। भूलकर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं, यानी कभी भी वह नाकाम यानी असफल कहीं पर भी नहीं होता है, क्योंकि वह हमेशा क्या करता है, कर्म करता है। आगे देखिए, काम को आरंभ करके यूं नहीं छोड़ते, यानी एक बार काम शुरू कर दिया तो उसको बीच में कभी भी नहीं छोड़ते, कौन, कर्मवीर, है ना। सामना करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते, एक बार सामना कर लिए किसी काम का तो उसको फिर भूल कर भी कभी भी उससे मुँह नहीं मोड़ते, पीछे नहीं हटते। जो गगन के फूल बातों से नहीं तोड़ते, यानी आकाश के फूल, कितना का असंभव कार्य होता है, इससे मुहावरा है ये कि गगन के फूल यानी आकाश के फूल तोड़ सकते हैं क्या, कोई नहीं तोड़ सकते, बड़ा कठिन काम होता है तो, पर बातों से ही नहीं तोड़ते, सिर्फ बात करने से नहीं तोड़ते। संपदा मन के करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, यानी मन से करोड़ों की संपदा संपत्ति को नहीं जो जोड़ते, मन से थोड़े मतलब बोला गया है कि संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, मतलब उसके लिए मेहनत करते हैं। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, यानी जो है कोयला जो है क्या बन जाता है, हीरा बन जाता है, क्योंकि वो उस पर क्या करते हैं, काम करते हैं, परिश्रम करते हैं। कांच को करके दिखा देते हैं उज्जवल रत्न, यानी कांच को वो कैसे बना देते हैं, उज्जवल रत्न बना देते हैं, अर्थात क्या बना देते हैं, हीरा बना देते हैं अपने परिश्रम से, है ना। आगे देखिए, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं, है ना, यानी इस प्रकार पर्वतों को काट कर क्या बना देते हैं, सड़कें बना देते हैं। सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं, मरुभूमि यानी मरुस्थल रेगिस्तान में वे क्या करते हैं, नदियां बहा देते हैं, है ना, जहां पर कि कभी भी वर्षा भी नहीं होती वहां पर क्या करते हैं, नदियां बहा देते हैं अपने परिश्रम से। गर्भ में जलराशि के बेड़ा चला देते हैं वे, बेड़े यानी जहाज, है ना, तो बोलते हैं कि नाव या जहाज जो है, तो सैकड़ों मर्ग गर्भ में जलराशि यानी जो जलराशि का जो गर्भ है, नीचे का भाग है धरती के, तो वहाँ पर क्या चला देते हैं, नाव चला देते हैं, बड़े बड़े जहाज चला देते हैं। जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं, जंगल कैसा स्थान होता है, एकदम सुनसान, और वहाँ पर खुशियाँ कोई मनाएगा क्या, बताओ, एकांत स्थान में, परंतु वो क्या करते हैं, ऐसे भी स्थान में क्या करते हैं, महामंगल यानी खुशियाँ रच देते हैं, है ना, अपने कर्मों के द्वारा। भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया, उन्होंने भेद नभ तल, नभ यानी आकाश का और तल यानी धरती के नीचे का जो है, बहुत सारे भेद रहस्य इनमें, बहुत सारे जो मोती हैं, मतलब जो हीरे जवाहरात हैं, उन सब का भी भेद इन्होंने कर्मवीरों ने बतला दिया है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो बहुत सारी महिलाएं हैं या कोई भी पुरुष है, तो उन्होंने आकाश का जो नीचे धरती का पता लगाने वाले धरती के नीचे का, उन सब ने क्या कर दिया, तो वो कर्मवीर ही है ना, तो उन्होंने जो है बहुत सारे भेद इस रहस्य मतलब आकाश और धरती के नीचे के बता दिए हैं। है उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया, तार की यानी जो तार का मतलब होता है, जैसे हमने पिछला पाठ पढ़े थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, तार का काम करते थे कि नहीं, वो जैसे डाकघर में जो किया जाता है ना, तो कहते हैं कि है उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया, इधर से उधर जो खबर है पहुंचाने की, उन्होंने ही कर्मवीरों ने ही जो सारी क्रिया है उन्होंने ही की है, बताई है। तो इस प्रकार कर्मवीर कविता के माध्यम से कवि ने बताया कि हमको कैसे बनना है, कर्मठ बनना है और कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना है। तो बच्चों, आज के लिए आपका होमवर्क है, अगर कॉपी में नहीं करे होंगे जीवन परिचय, तो आप लोग अच्छे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिख लीजिए, और उसके बाद सारांश भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, 5 बिंदु लिख सकते हैं आप उसके, और उसके बाद ये कविता को अपने से पढ़ के समझ के देखिएगा, और जो नहीं समझ में आएगा उसको आप पूछेंगे। धन्यवाद बच्चों।